आपका इसके अंदर ये आप देखिए, यहाँ से हमने जो अनाज है यानी गेहूँ लिए हैं, गेहूँ डाले हैं और देखो ऊपर से ये डालना शुरू हो गया, यहाँ इस समय चैम्बर में भी पड़ना है आपका। ये बंदा हमारा डाला, आप देख रहे हैं। इसके बाद गेहूँ जो होता है आपका इसमें पिस रहे हैं, इसमें देखिए गेहूँ डाल रहे हैं। देख रहे हैं साइक्लोन के द्वारा ये इसके अंदर आ जा रहा है। देखिए आराम से, देखिए आ गया होगा होगा, चल रहा है आपका, दिख रहा है। ये ब्लोडिंग सिस्टम ऑन है इसका, आप पार्ट है इसके अंदर जा रहे हैं। कर दो बंद कर दो, जैसे हमने इसके अंदर गेहूँ डाले थे आपका, गेहूँ डालने के बाद आपने देखा कि आटे गेहूँ जो होता है हमारा चैम्बर में चले गए। यहाँ से गेहूँ पिसने के बाद साइक्लोन सिस्टम के द्वारा जो आपका आटा उठ के इसके अंदर आ गया है, मैं आपको अभी इसका दिखाऊंगा भी कि आटा कैसा है आपका। ये आप देखिए कितना बारीक और बेहतरीन आटा इससे पिसा हुआ है बिल्कुल, और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गर्म भी नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा ठंडा आटा है जी। इसी तरीके से आप और प्रोडक्ट्स इसके अंदर पीस सकते हैं, चाहे आटा पीसे, बेसन पीसे, हल्दी पीसे या मिर्च धनिया, इसमें ऑल टाइप आपके सारे आइटम पीस जाते हैं जी। तो सर ने इस मशीन को पूरा डिटेलिंग में बताया, हमने इसका आपको डेमो भी दिखाया, और आप यकीन मानिए आटा बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। ये इस मशीन का मेन बेनिफिट है कि इसमें जो आटा पिसेगा पूरी तरह ठंडा होगा। इसके बाद भी हो सकता है आपकी कोई क्वेरी आ रही हो तो स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।